वेलकम टू माई YouTube चैनल। और आज हम फिर से निकल चुके हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे, इसका नाम है सुंदरनगर। तो अभी हम यहाँ जाएंगे रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के बाद में हम वहाँ से ट्रेन लेंगे। ट्रेन है हमारी 8 बजे की, और उसके बाद में वहाँ हमें वो ड्रॉप करेगी ट्रेन 1:30 या 2 बजे। 1:30 या 2 बजे के बाद में फिर हमारा थोड़ा शूट है वहाँ का, और आज का तो मौसम एक नंबर हो रहा है, नहा धोके हम रेडी हो गए। अभी बजे 7:30 और निकल लिए। तबीयत भी थोड़ा सुधार है पहले के मुकाबले, वैसे भी यहाँ तो बहुत गर्मी है, सुबह सुबह भी पंखा चला के पसीने आ जाते हैं दोस्तों नहाने से के बाद में। और देखो मौसम आज का एक नंबर हो रहा है। तो बस चलते हैं, अभी रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं जूनागढ़ रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के बाद में फिर ट्रेन लेंगे। और कैसा हमारा सफ़र रहता है इसके बारे में ज़रा डिटेल में बात करेंगे वहीं चल के। तो अभी चलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं। तो अंकल ने मांगा 20 रुपये में अभी पहुँचते रेलवे स्टेशन। वाइब एक नंबर है यहाँ की, शहर की वाइब तो एक नंबर है, मगर गर्मी है बस, बाकी अच्छा है। अच्छा जूनागढ़ में आओ तो इंडिया का सबसे बड़ा रोप वे देखो, और भी बहुत सी जगह हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन पे, आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर तक। ये है जूनागढ़ का रेलवे जंक्शन, रेलवे स्टेशन बोले या रेलवे जंक्शन बोले। अभी इधर की साइड में जाना है हमें सुंदरनगर, और अराउंडिंग हमें 2 बजे ट्रेन छोड़ देगी सुंदरनगर में। और 2 बजे के बाद में फिर हमें वहाँ थोड़ा सा काम हमें निपटाना है, काम निपटाने के बाद में और फिर हम फिर से बात करेंगे। तो 2 बजे अभी 2 बजे का है वहाँ पहुँचने का प्लान, और उसके बाद में फिर देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहता है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और हमें अगर गुजरात से कोई भाई मेरा ब्लॉग देख रहा है तो आने वाले 1 सप्ताह में मैं यहीं रहने वाला हूं, तो ज़रूर मेरे जो इंस्टा अकाउंट है वो मैं यहाँ नीचे डाल दूँगा, तो आप ज़रूर मेरे से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें। जूनागढ़ जंक्शन, जूनागढ़ जंक्शन पश्चिम रेलवे। और तो यहाँ क्या है, यहाँ और क्या लगता है, भावनगर मंडल। एक्चुअली में ये जो स्टेशन आता है ये लगता है भावनगर मंडल में, जैसे पश्चिम मंडल जयपुर कौन सा आता है इस तरीके से, ये लगता है भावनगर मंडल में। ये इसका प्लेटफॉर्म है, ट्रेन आने वाली है बस थोड़ी बहुत देर में। अब चलेंगे हम सुंदरनगर, और वहाँ क्या देखने को मिलता है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ब्लॉग में बने रहें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें।